अब आ गया, आ गया ना, बस ठीक। अब ऐसे धीरे धीरे आप दिखाइए धूप के तरफ ना कैमरा। अच्छा अच्छा, चालू करिए मुझे। हाँ चालू करो। आज 16 दिसंबर 2010 है और बाबा मुरारी दास का आज जन्मदिन है। और कैमरा घेर रखिएगा। आज बाबा मुरारी दास जो है उनका जन्मदिन भी है और उन्हीं के जन्मदिन पर उसी उपलक्ष में मुंशीगंज, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मुंशीगंज है रायबरेली के नदी के पास, तो मुंशीगंज से ये कलश यात्रा जो अभी आप देख रहे हैं महिलाएं तैयारी कर रही हैं। और कितने ये कितने कलश हैं ये महाराज जी, कितने कितने कलश हैं? 108 कलश की यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी तमाम महिलाएं आएंगी, बाबा मुरारी दास जी के जन्मदिन पर यह मनाया जा रहा है। रात्रि में यहाँ कथा होगी और सारा विद्वान हमारे जो है आचार्य नरेंद्र देव जी, इनके द्वारा यहाँ कथा प्रवचन रात्रि में होगा और कल 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 8 दिन का ये कार्यक्रम है। 9 दिन भंडारा होगा और 8 अंत में भंडारा होगा। 24 तारीख को भंडारा है। 24 तारीख को भंडारा होगा और इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जी जो है, हम नाम भूल जाते हैं, नान गुप्ता। देखिए नान गुप्ता इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, धार्मिक विचारधारा वाले हैं। नाम इनका बहुत ही छोटा सा है, नान कार यानी छोटे को नान कहते हैं और काम बड़ा के प्रभु की दीजा है, काम बड़ा करते हैं। इनका सौभाग्य है कि यहाँ के कार्यक्रम में आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे कथावाचक आवे, ये मुंशीगंज का सौभाग्य है। हम तो आपके बीच के हैं और घर बाबा हैं, हम आपकी केवल सेवा का काम बताते हैं और लोगों का बड़ा बड़ा काम करवा देते हैं। हमारे पास यही हमारी समस्या है। आपका कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हम तरीका बताएंगे, आपका काम हो जाएगा। अपने नाम को कुछ चाहिए नहीं, हम कना वगैरह खरीदते हैं। अभी मैंने गधा भोज किया है, बंदर भोज मेरा रोज होता है, तो गधे के लिए अगर मैं कना लेने आऊँ मुंशीगंज में तो कोई भी दुकानदार हमें जान जाए और हमें रियायत में देंगे। हम फ्री फंड वाले बाबा नहीं है, हमको रियायत में चीज चाहिए, क्योंकि अभी हमने अब सीढ़ी बनाएंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गधा भोर से बंदर भोर से कितने बड़े बड़े काम आपके बनते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ बाबा मुरारी जी को माइक दे रहे हैं। हमारे बीच में श्याम साधु जी आए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जिनका इतना ध्यान लगा हुआ श्री दिनेश कुमार जी आकर के श्री श्याम साधु जी का मर्यादा करेंगे। श्याम साधु जी का दिनेश कुमार जी आइए, सुनता निजाल भाई आइए। अब हमारे नाम गुप्ता जी है, दूसरी आचार्य नरेंद्र जी का मालाकों का स्वागत करेंगे। अरे मोबाइल का
यहाँ पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये लोगों को आना है वो जरा सा भी देर ना करे। भगवान के काम में यज्ञ के काम में देर से आना तो जल्दी जल्दी आने का कष्ट करे। और ये इसके कोई साधारण बात इसे न समझ लेंगे, इसलिए कि हमारे समाज में इसका देखिए चलन नहीं है। और जब चलन नहीं है तो आदमियों को कुछ अटपटा लगता है, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि जोरहा बाबा जो कई सौ वर्ष के थे, अभी दो तीन साल पहले उनका शरीर छूटा है, वो कितने उनकी उम्र क्या थी आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जान पाया, और वो रात्रि ने बारह बारह बजे रात में बड़े बड़े अधिकारियों को वो आज्ञा देते थे कि जाके बंदर घर आ जाओ। इलाहाबाद इलाहाबाद संगम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सुल्तानपुर ऐमा जो आपके करीब में गांव है, यहाँ के एक पहले लाइब्रेरी में स्टेशन मजिस्ट्रेट रहे कैलाश नाथ पांडे, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका लिखा हुआ मेरे पास रखा हुआ है। जब तक बाबा बोले बाबा चमत्कार देखें। धन्यवाद।